हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। तो चलिए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करते हुए अंग्रेजी सीखते हैं, बातचीत करना सीखें। पे क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ, बट आज हम करेंगे डे 60। डे 60 में क्या है आइए देखते हैं। रूममेट की कंप्लेन अगर आपको करनी हो तो कैसे करनी होती है, इंग्लिश में आपको कैसे बोलना होगा ये जानते हैं। चलिए तो कंटिन्यू कीजिए और हिंदी में सेंटेंसेस मिलेंगे, इनको इंग्लिश में आपको बोलना है। May I come in, sir? तो आप गए हो वार्डन के पास, वहाँ पे बोलने की देखिए कुछ परेशानी है अपने रूममेट से, तो आपको बोलना है, शिकायत करनी है। यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए। हाँ अंदर आओ। यस प्लीज कम इन। यस कम इन। थैंक यू सर, आई एम ओम, आई एम इन रूम नंबर 301। कह रहे मैं ओम हूँ, मेरा रूम नंबर 301 है। कंटिन्यू कीजिए, देखिए कॉइन्स भी आपको मिल चुके हैं दोस्तों। हाँ ओम, मुझे यहाँ आने का कारण बताओ। यस ओम, प्लीज टेल अस द रीज़न दैट व्हाई यू केम हियर। यस ओम, टेल मी द रीज़न ऑफ योर कमिंग हियर। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट माय रूममेट। तो कह रहे हैं मैं तो एक्चुअली अपने रूममेट के बारे में कुछ बात करना चाहता था, तो आपका रूममेट कौन है? हु इज योर रूममेट? हु इज योर रूममेट? कंटिन्यू कीजिए। मानुष। ओके देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अ लॉट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्नोर्स सो लाउडली। कह रहे बहुत सारी समस्या है कि तो ये है कि खर्राटे बहुत जोर जोर से मारते हैं वो। यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है और क्या? रियल इट्स ओके, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। रियल इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इजंट इट? दैट्स नॉट रियली हिज फॉल्ट, व्हाट एल्स? ही इज वेरी मिसमैनेज्ड, ही रेयरली कीप्स हिज बिलोंगिंग्स प्रॉपर्ली, आल्सो ही रेयरली टेक्स अ शावर। कह रहे ना तो नहाता है और ना ही तो अपनी चीज़ों को अपने ढंग से अपनी जगह पर रखता है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को जो है दुखी कर रही हैं, तो प्लीज़ कुछ कीजिए मेरे रूममेट के बारे में। यह घिनौना है, आपको इससे उसे इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए। ओके इट्स नॉट गुड, यू मस्ट टेल अबाउट दिस टू योर रूममेट। दैट्स डिस्गस्टिंग, यू शुड टेल हिम अबाउट ऑल दीस थिंग्स। कंटिन्यू कीजिए दोस्तों एक बार। I did. He got mad at me and started abusing me. तो कह रहे हैं कि मैंने कहा था तो वो मेरे पे जो है गालियाँ बकने लगा, इसीलिए मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ। वाकई मुझे उसे बुलाकर बात करनी पड़ेगी। Really? Then I need to call and will talk to him. Really? Let me call and talk to him. Sir, please change my room. I can't adjust with him. कह रहे हैं कि सर मेरा रूम चेंज कर दीजिए प्लीज़, मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। अभी हमारे पास कोई कमरा नहीं बचा है, बस एक हफ्ते के लिए रुकिए और पहले मुझे उससे बात करने दीजिए। मैं किसी को भी दूसरे से दुर्व्यवहार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमारी प्रतिष्ठा का मामला है। राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी रूम, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीक एंड लेट मी टॉक टू हिम, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट समवन मिसबिहेविंग विद समवन, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट आवर पॉलिसी। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी रूम लेफ्ट। Exactly, sir. I wouldn't have come to you if he had not abused me. I am sorry for this. कह रहे अगर गाली नहीं दी होती तो मैं आता भी नहीं, वो तो गाली दी इसलिए मैं आपके पास आ गया क्योंकि मिसबिहेव करने लगा था वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नहीं ओम, आप इस मामले को समय पर मेरे पास लाकर सही किया। Exactly, ओम, you just did a good job by bringing this matter to me. Not at all, ओम. You did right thing by bringing this matter. Thank you. थैंक यू कह दिया इन्होंने, अब आप जा सकते हैं, मैं अब मामले को देखूंगा। नाउ यू कैन गो, आई विल सी द मैटर। यू कैन गो नाउ, आई विल सी द मैटर नाउ। फिनिश करिए, अगर आपको लगता है दोस्तों कि कुछ कमी रह गई है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस अगेन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं हो चुकी है प्रैक्टिस, अगले कन्वर्सेशन पे आप जाना चाहते हो तो नेक्स्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक करके जा सकते हो। राइट,
तो यहाँ पे इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी होती है आप लोगों को। और ये फीचर सिर्फ नमस्ते इंग्लिश ऐप पे ही प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किसी सेंटेंस को किसी और तरीके से कहना चाहते थे तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी अनलिमिटेड अकाउंट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नमस्ते इंग्लिश ऐप पे जाना है, नमस्ते इंग्लिश ऐप सबसे पहले डाउनलोड करना है, देन आपको अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना है और ढेर सारी प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अनलिमिटेड अकाउंट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।